नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टॉक विद शुभम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रेलवे की तरफ से TC की पोस्ट पर जारी किए गए नए नोटिफिकेशन के बारे में, नई भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए टोटल 3000 से भी अधिक पदों पर भर्तियों के शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग TC या गुड्स गार्ड की पोस्ट पर सरकारी नौकरी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और आप लोग अभी तक किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में नहीं है, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। ऑल इंडियन कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। भारत के मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। अगर आप लोग 10वीं पास है तो आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी को आगे सिलेक्शन प्रोसेस, साथ में फॉर्म फीस और आप लोग आवेदन कब से लेकर कब तक करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक देखेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके काम की लगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी ही वीडियोस के अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ध्यान से ऑन कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों, रेलवे की तरफ से TC नई भर्ती 2021 आ चुकी है। टोटल आपको 3000 पोस्टें मिलेंगी, साथ में प्लस करके 1000 गुड्स गार्ड की भी वैकेंसीज मिलने वाली हैं। यहाँ पे मैंने केवल TC की डिटेल करी है, आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, आपको जानकारी समझ में आ जाएगी। इसके बाद मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के लिए बड़ा मौका आ चुका है आवेदन करने के लिए। 10वीं पास है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा और ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आप लोग आवेदन भी कर पाएंगे। अब दोस्तों, आगे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करूंगा, इसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करूंगा, तो आप लोग लाइन से पूरी वीडियो देखते रहेगा। तो चलिए वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग यहां पे कमेंट करते हैं, फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद देख सकते हैं रेलवे TC रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए। अप्लाई ऑनलाइन फॉर 3000 TC पोस्ट वैकेंसी के लिए आपको आवेदन करना होगा। देन इसके बाद आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको बेसिक से लेकर अपर लेवल की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, आप लोग आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे आने पर आपको जो है तो ऑर्गेनाइजेशन नेम मिलेगा, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। इसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पे आपको गुड्स गार्ड की 1000 और टिकट कलेक्टर की 3000, यानी कुल आपको 4000 पोस्टें मिलेंगी। लेकिन इस वीडियो के अंदर केवल मैंने टिकट कलेक्टर को जो है तो अंडर में लिया, तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 3000 है TC के लिए, और यहाँ पे मार्च से लेकर अप्रैल 2021 के लिए आपको नोटिफिकेशन के अंदर आवेदन डेट बताई गई है। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और अक्रॉस इंडिया जॉब लोकेशन हो सकती है। इसके बाद आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th, 12th और डिग्री तक होने वाला है। इसके बाद आप लोग एज लिमिट चेकआउट कर पाएंगे, उम्र आपकी कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल तक की होनी चाहिए। इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे तो आपको सिलेक्शन प्रोसीजर दिखेगा, जो कि नॉर्मल यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है प्लेन्स और मेंस के। इसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, PET और मेडिकल है। फाइनली आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है। इसके बाद टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट यहाँ पे है, क्लिक हियर पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका पे स्केल है, जो कि नॉर्मली 21,700 रुपये से लेकर 81,000 रुपये पर मंथ का स्टार्टिंग में होता है। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो जर्नल और OBC कैटेगरी के लिए 500, और अगर आप लोग फीमेल SC ST हैं तो 250 रुपये आपका अप्लीकेशन फीस रेलवे की भर्ती के लिए लगने वाला है। इसके बाद कैसे आवेदन करना उसके बारे में डिटेल है, साथ में आपको यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक के ऑप्शन पे अप्लाई ऑनलाइन नोटिफिकेशन और वेबसाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए आप लोग नीचे आ सकते हैं। रेलवे में 3000 TC 1000 गार्ड्स भर्ती होंगे, इस पूरी खबर को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है, सरकार रेल संरक्षा वर्ग में ग्रुप सी में 90,000 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा के बाद अब टिकट कलेक्टर यानी कि TC और गार्ड की भर्ती करने जा रही है। रेलवे बोर्ड 12 मार्च के बाद 3000 TC और 1000 गार्ड्स की भर्ती संबंधी अधिसूचना जारी कर सकता है, यानी 12 मार्च निकल चुका है, जल्द ही आपके फुल नोटिफिकेशन आएंगे। इन पदों के लिए 12वीं पास और स्नातक बेरोजगार युवा आवेदन कर सकेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि बुकिंग क्लर्क पूछताछ व रिजर्वेशन क्लर्क सहित रेलवे अस्पताल में फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा ग्रुप सी के कुछ अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी। रेलवे में मार्च माह में 6,000 से अधिक भर्ती होने की उम्मीदें हैं। और इसके बाद यहाँ पे बोला गया, संरक्षा वर्ग के 90,000 पदों के बाद व्यवहारिक व तकनीकी दिक्कतों को रोकने के लिए TC गार्ड्स व अन्य पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की जाएगी। इससे रेलवे भर्ती बोर्ड वेबसाइट पर अधिक भार नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं, TTE की जिम्मेदारियाँ बढ़ चुकी हैं।
इसके बारे में बताया गया। साथ में अगर आप लोग नीचे आते हैं तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आता है आपको वीडियो मिल जाएगी। आप लोग तब तक जल्दी से जाके इस नोटिफिकेशन को डिटेल में देखें और आप लोग वेट करें कब नोटिफिकेशन आता है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको अपडेट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।